सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स इन हिंदी चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारे नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ बेहतर हेल्थ केयर प्रोडक्ट लेकर आई हूँ, जिनकी मदद से आप अपनी छोटी बड़ी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बिना डॉक्टर के घर पर आराम से ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, ये प्रोडक्ट पूरी तरह आयुर्वेदिक है, इसलिए इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आइए जानते हैं कुछ कॉमन स्वास्थ्य समस्याओं के आयुर्वेदिक समाधान। सबसे पहले हम कब्ज की बात करते हैं। कब्ज एक साधारण लेकिन बहुत खतरनाक बीमारी है, जिसका अगर समय रहते इलाज ना किया जाए तो ये अपने साथ और हजारों बीमारियों को लेकर आ जाती है, जैसे गैस, एसिडिटी और बवासीर आदि। दोस्तों, आयुर्वेद में कब्ज के लिए सबसे बेहतर उपचार है पेट सफा चूर्ण। इसे बच्चे से लेकर बूढ़े तक बिना डॉक्टर की सलाह के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। और इस चूर्ण की सबसे खास बात यह है, अगर आप इसे रोज लेते हैं और बीच में अगर लेना बंद भी कर देते हैं तो इसकी आदत नहीं बनती है। कब्ज के रोगी इस चूर्ण को रात को सोते समय एक गिलास गर्म पानी के साथ लेते हैं तो कब्ज में राहत मिल जाती है। लेकिन गर्भवती महिलाएं इस चूर्ण को बिना डॉक्टर की सलाह के मत ले। अब कुछ लोगों को चूर्ण निगलने में दिक्कत होती है या उन्हें उल्टी हो जाती है, उन लोगों के लिए ये पेट सफा चूर्ण की टेबलेट आती है। तो जो लोग चूर्ण नहीं ले सकते, वो ये पेट सफा की 2 टेबलेट रात को गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे आम समस्या की, जो आजकल सभी महिलाओं और पुरुषों में देखने को मिलती है, वो है जोड़ों में और कमर में दर्द। 30 की उम्र के बाद ये समस्या होना आम बात है। अब उपचार की बात करें तो कमर में दर्द हो या जोड़ों में सूजन और जकड़न हो, इन सब समस्याओं के लिए सबसे बेहतर उपचार है डॉक्टर ऑर्थो की ये पेन रिलीफ क्रीम, जो 100% आयुर्वेदिक है। इस कारण इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप दर्द वाली जगह पर इसकी हल्के हाथ से 15 मिनट मसाज करें, इससे दर्द में तुरंत राहत मिल जाती है। इसके अलावा अगर आपको पैर में मोच आ जाती है या गिरने से कोई चोट लग जाती है या मांसपेशियों में खिंचाव हो जाता है, तो इस केस में आप डॉक्टर ऑर्थो का ये पेन रिलीफ स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्की फुल्की चोट और दर्द में ये स्प्रे तुरंत राहत पहुंचाता है, इसलिए आप ये क्रीम और स्प्रे हमेशा अपने घर में रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं पुराने जोड़ों और घुटनों में दर्द की, जो लोग सालों से इस रोग से पीड़ित हैं, क्योंकि पुराना कमर दर्द, गठिया या घुटनों का दर्द इतनी आसानी से नहीं जाता है। उसके लिए आप डॉक्टर ऑर्थो के इस तेल से दिन में 2 बार धीरे धीरे मालिश करें। इस तेल की मसाज करते समय एक बात का खास ध्यान रखें, इस तेल को खुले घाव या चोट वाले स्थान पर बिल्कुल ना लगाएं। इसके अलावा अगर आपका दर्द काफी साल पुराना और जटिल है, तो इस तेल की मसाज के साथ डॉक्टर ऑर्थो के ये कैप्सूल 3 महीने लगातार ले। इससे पुराने से पुराने दर्द से आपको राहत मिल जाएगी। इसके बाद जो सबसे आम समस्या है, वो आजकल के बच्चों में शारीरिक विकास का नहीं होना है। बच्चे ठीक से खाना नहीं खाते हैं, जिसके चलते उनका वजन और शारीरिक विकास दोनों रुक जाते हैं। इसके अलावा कई बड़े लड़के और लड़कियों में दुबलेपन की समस्या आम है। इस बीमारी के लिए आयुर्वेद में सबसे अच्छा उपचार है ये अखिमस कैप्सूल। इन कैप्सूल में बहुत सारी जड़ी बूटियों का मिश्रण है, जो शरीर में एनाबॉलिक दर बढ़ाने में मदद करते हैं। अखिमस ग्रैन्यूल्स शरीर की पोषक तत्वों की मांग को पूरा करने में मदद करता है। इससे रुका हुआ शारीरिक विकास और वजन दोनों बढ़ने लगते हैं। लेने की विधि और मात्रा की बात करें, तो बच्चे को एक एक कैप्सूल रोज सुबह और शाम को खाना खाने के बाद देना है, और बड़ों को 2-2 कैप्सूल दिन में 2 बार खाना खाने के बाद लेने हैं। अगर दुबलेपन के साथ कोई अन्य शारीरिक समस्या है, तो ये कैप्सूल लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले ले। इसके अलावा दुबले पतले लड़के लड़कियां अक्यूमस वेट गेन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी पूरी तरह आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये पाउडर उन लोगों के लिए वरदान है जो दुबलेपन से परेशान है। अक्यूमस पाउडर में पाए जाने वाली जड़ी बूटियां आपके शरीर को और जवान बनाती हैं, और शरीर की जनरल हेल्थ और इम्यून सिस्टम की सेहत सुधारने में भी मदद करती हैं। साथ ही ये शरीर में आई कमजोरी और दुर्बलता को दूर करने में भी मदद करता है। कंपनी की माने तो अक्यूमस में 18 जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जो कि आपके हार्मोन के स्तर को ठीक करके आपकी सेहत बनाने में मदद करती है। दोस्तों, इस पाउडर की सबसे खास बात यह है कि ये एक पूरी तरह से आयुर्वेदिक वेट गेन पाउडर है, जिसमें की स्टेरॉइड्स नहीं पाए जाते हैं। दूसरा, ये ज्यादा महंगा प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए आप इसे आसानी से खरीद सकते हैं। ये आपके शरीर को तो सुडोल बनाता ही है, साथ ही आपकी आंतरिक ऊर्जा शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर बनाता है। अब लेने की विधि और मात्रा की बात करें, तो आपको बेहतर परिणाम और अधिक फायदे के लिए अक्यूमस पाउडर और कैप्सूल्स दोनों का सेवन करना होगा।
तभी आपको जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कैप्सूल की तरह इस पाउडर की भी मात्रा बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग होती है। बड़ों को 20 ग्राम पाउडर और 2 कैप्सूल्स दिन में 2 बार दूध के साथ लेने हैं। वहीं 12 वर्ष से बड़े बच्चों को 10 ग्राम पाउडर और 1 कैप्सूल दिन में 2 बार दूध के साथ लेना होता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, एक्यूमस पाउडर और कैप्सूल्स को लड़के और लड़कियां दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये प्रोडक्ट लड़कियों के लिए भी उतना ही असरदार है जितना लड़कों के लिए है। यहाँ आपको बता दे, बेहतर रिजल्ट्स पाने में 3 से लेकर 4 महीनों का समय लगता है। तो अगर आपको इन प्रोडक्ट से फायदा हो तो आगे भी लोगों को जरूर बताएं। अब अगली सबसे बड़ी और आम स्वास्थ्य समस्या की बात करें तो वो है मधुमेह यानी डायबिटीज। गलत खान पान और बदलते लाइफस्टाइल के चलते ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। यहाँ हम मधुमेह के उपचार की बात करें तो डायबिटीज में सबसे असरदार उपचार है ये डॉक्टर जुनेजा का मधुमनी। ये भी एक पूरी तरह आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित प्रोडक्ट है जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें जामुन, करेला, गुड़मार आदि जड़ी बूटियों को इस्तेमाल किया है जो डायबिटीज को जड़ से खत्म करने में सहायक है। दोस्तों, डायबिटीज की अन्य दवाइयों के मुकाबले इस प्रोडक्ट की कीमत भी काफी कम है। ये 125 ग्राम की पैकिंग आपको सिर्फ 148 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। अब इसके सेवन की विधि की बात करें तो ये आपको 1 या 2 चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने से 1 घंटे पहले लेना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ साधारण स्वास्थ्य संबंधित बीमारियों की आयुर्वेदिक दवाइयाँ। वैसे तो इस वीडियो में बताई गई सारी दवाइयाँ पूरी तरह आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से निर्मित है, इसलिए इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स या नुकसान नहीं है। लेकिन कई लोगों को इन जड़ी बूटियों से एलर्जी जैसी समस्या हो सकती है, इसलिए कोई भी दवाई खाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले ले। और गर्भवती महिला इनमें से किसी भी दवाई का सेवन मत करें। और आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।